नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया, जिसके बाद कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन करने वाली थी। प्रबंधन ने कर्मचारी संघ से धरना प्रदर्शन स्थगित करने का अनुरोध किया। प्रबंधन की बातों को मानते हुए कर्मचारी संघ ने अपने 25 जून के निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर महाप्रबंधन मानव संसाधन को ज्ञापन सौंपा। देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश महामंत्री धृतलहरे ने बताया कि प्रबंधन के वादा खिलाफी के विरोध में कर्मचारी संघ 25 जून को राजधानी में रैली निकालकर बिजली मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाली, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने कर्मचारी संघ से धरना प्रदर्शन स्थगित करने का अनुरोध किया। प्रबंधन की बातों को मानते हुए कर्मचारी संघ 25 जून के निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए कर्मचारियों की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष एस के मजुमदार की अध्यक्षता में महाप्रबंधक होर्डिंग जीएल चंद्रा जी को अध्यक्ष पवार कंपनी के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यक्रम के अंत में कोरोना काल में दिवंगत हुए सैकड़ों बिजली कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रबंधन की ओर से उप महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध गोपाल खंडेलवाल एवं अतुल तिवारी के साथ भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के उप महामंत्री एवं प्रदेश संगठन मंत्री अरुण देवांगन, महामंत्री हरीश चौहान सहित महासंघ से प्रदेश संयुक्त महामंत्री शिवेंद्र दुबे, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, कार्यालय मंत्री शंकर नायडू, उपाध्यक्ष गुलेंद्र यादव, संजय चौधरी, मंत्री डी के यदू, मनीष छत्री, युवा प्रभारी संजय तिवारी, संतोष दुबे के साथ ही प्रदेश कार्य समिति के समस्त सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 25 जून 2021 को रैली और गेट मीटिंग करके कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए हमने इन कार्यक्रम को स्थगित करते किया और कर्मचारियों की मांगों के लिए कंपनी प्रबंधन के चेयरमैन के नाम मानव संसाधन जीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। और इन प्रमुख हमारी प्रमुख मांग ये है कि कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारी जो जोखिम भरा काम करते हैं, जोखिम उठाते हैं, उनको हम निमितीकरण की मांग कंपनी प्रबंधन से लगातार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे 9 सूत्री मांग है जिनको हमने आज कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखा है और कंपनी प्रबंधन की ओर से जीएल चंद्रा साहब जो कि मानव संसाधन के महाप्रबंधक है उनके समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत करके ठोस निर्णय निकलेगी, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया। ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।